एक वस्तु 1700 रुपए किलो है तो 50 ग्राम का दाम कितना होगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा टेबल बताने वाला हूं कि वो टेबल अगर आप समझ लेते हैं ध्यान से तो फटाफट फ्रेंड्स चुटकियों के अंदर आप किलोग्राम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर दिया क्या हुआ है, यहां पर दिया है 1700 रुपए किलो, कितना दिया हुआ है। ₹1700 किलो, ठीक है, यानी 1700 में कितने मिलेंगे, 1 केजी मिलेंगे, कितने मिलेंगे 1 केजी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये नॉर्मली हमें यही बताया जाता है। अब देखिए जो टेबल हमें बनाना है, हम उसको कैसे दिमाग में समझेंगे, ये मैं आपके सामने यहाँ बोर्ड पर लिख रहा हूँ लेकिन आपको दिमाग में बनाना है। तो देखेंगे क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको आपको इस फॉर्मेट में लिख लेना है 1700 रुपये, और यहाँ पर आपको लिख लेना है इसको ग्राम में, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, हर बार पीछे से एक अंक पर दशमलव लगाना है, आपको 3 लाइन लिखना है, कितनी लाइन लिखना है, इसके बाद ये 3 लाइन और लिखना है, हर बार पीछे से एक अंक पर दशमलव लगाना है। तो देखिए पहली बार में जब दशमलव लगाएंगे पीछे से, तो देखिए यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर पीछे से आगे की ओर आते हुए यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, तो देखिए फ्रेंड्स ये क्या बन गया, तो देखिए यहाँ पर बन गया ये कितना, ये बन गया 170 रुपये, और यहाँ पर ये दशमलव के बाद चूंकि जीरो का कोई मतलब नहीं होता है इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, मैं केवल इसके आगे वाला पार्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ कितने हो जाएंगे 100 ग्राम, ठीक है। और इसी को एक बार फिर से, अब देखिए फिर से हम क्या करेंगे, पीछे से एक अंक पर हम यहाँ दशमलव लगा देंगे, पीछे से एक अंक पर दशमलव लगा देंगे, तो अब कितना हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा कितना 1700 रुपये, और यहाँ हो जाएंगे कितने 10 ग्राम, ठीक है। फिर से वही प्रक्रिया अपनाना है, एक अंक पर दशमलव हम फिर से लगाएंगे यहाँ दोनों तरफ, और यहाँ पर लास्ट में जो बचेगा कितना बचेगा, ये बचेगा 1.7 रुपये, और यहाँ पर हो जाएंगे 1 ग्राम, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने में मैकेनिज्म दिक्कत हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं साफ साफ, देखिए क्या मैंने किया है, ये हमें देखिए हिसाब बताया गया था, और यहाँ पर देखिए इस टेबल को हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने तीर लगाया हुआ है, थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो रहा होगा, आपको दिया ये रहेगा आपको दिमाग में क्या बनाना है, देखिए यहाँ पर समझिए, देखिए जब दशमलव लगा देते हैं दशमलव के बाद जीरो को कोई मतलब तो होता नहीं है, तो 170 रुपये में मिलेंगे कितने 100 ग्राम, ठीक है। यहाँ से फिर से आपका यहाँ पर दशमलव के बाद जीरो का मतलब नहीं है, मतलब 17 रुपये में मिलेंगे 10 ग्राम, और आपका यहाँ पर 1.7 है तो दशमलव के बाद एक अंक रहता है तो जीरो बढ़ाकर हम ये रुपए पैसे हो जाता है, 1.70 रुपये में मिलेंगे 1 ग्राम। अब देखिए फ्रेंड्स आपको जितने भी ग्राम का चाहिए फटाफट आप यहां से दिमाग लगा सकते हैं, तो 50 ग्राम का चाहिए तो 50 ग्राम किससे आएगा, तो हम देख सकते हैं देखिए ऊपर वाले में 100 ग्राम है, इसी का अगर हम आधा कर दें तो यहां पर हमें 50 ग्राम का आसानी से मिल जाएगा, कितना मिलेगा 100 ग्राम का आधा 50 ग्राम, 170 का आधा कितना होगा, तो चलिए आधा करने का ट्रिक मैंने बताया था, 170 है तोड़ दीजिए 100 में और 70 में, इसका आधा 50, इसका आधा 35, जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 85, फटाफट ये आपके दिमाग में होना चाहिए, तो ये होंगे 85 रुपये में, ठीक है। तो यही फ्रेंड्स हम लोगों का राइट आंसर होगा। तो इस टेबल का अगर आप फ्रेंड्स प्रैक्टिस कर लेते हैं अपने दिमाग में ही, आप अपने से ही कुछ किलो रुपीज ले लीजिए और उसको आप प्रैक्टिस करके फटाफट किलो और ग्राम का दाम चुटकियों में फ्रेंड्स मार्केट में निकाल सकते हैं।